क्या राहुल गांधी को रेस से बाहर करने के लिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया और अरविंद केजरीवाल ने भी झट से कह दिया कि हाँ, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही करनी चाहिए। एक झटके में सोचिए कितना बड़ा खेल हो गया। जब इंडिया अलायंस बना था उस वक्त पीएम पद के उम्मीदवारों के तौर पर चार ही नाम चला करते थे, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, खुद ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन एक दिन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई और झट से नाम सामने आ गया मल्लिकार्जुन खड़गे का, और तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा पूरी तरीके से बदली हुई। अब उनकी टाइमलाइन पर राहुल फॉर पीएम ये हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा है। ना नीतीश ना राहुल गांधी, दोनों पब्लिक के बीच डिस्कशन से गायब हो गए। अब ये खेल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया है ये हम आपको बताएंगे, और जानने वाले बताते हैं कि जब ये नाम उछाला गया उस वक्त राहुल गांधी का रिएक्शन और नीतीश कुमार की झुंझलाहट दोनों देखने लायक थी। प्रधानमंत्री की रेस से राहुल गांधी आउट, खड़गे इन। कुर्सी के इस खेल के पीछे का असली खेल क्या है? 2024 में मोदी को हराने के लिए जब इंडी अलायंस बना था तब प्रधानमंत्री पद के चार दावेदार थे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन दिल्ली में इंडी अलायंस की चौथी बैठक में सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी का पत्ता काटने की चाल चल दी गई। चाल ममता बनर्जी ने चली और केजरीवाल ने उसका पुरजोर समर्थन किया। हाँ किया था, और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम में ऐसी बातें, हाँ क्या है कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता ने इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के फेस की रेस में खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर एक तीर से कई शिकार किए। गांधी परिवार को सत्ता के केंद्र से बाहर रखना, नीतीश समेत बाकी दावेदारों की रेस से छुट्टी करना और बंगाल में बीजेपी विरोधी वोट बैंक पर कब्जा करने की मंशा। लेकिन ममता की हां में हां मिलाने से अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा है? केजरीवाल की हिंदी पट्टी के दो राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। राहुल गांधी की दावेदारी को खारिज कर केजरीवाल दोनों राज्यों में कांग्रेस को और कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली में मुस्लिम और दलित वोट बैंक की लड़ाई भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस कमजोर हुई तो दिल्ली पंजाब में दलित मुस्लिम वोट बैंक केजरीवाल की ओर शिफ्ट कर सकता है। गांधी परिवार के साइडलाइन होने से नॉर्थ इंडिया में केजरीवाल को अपनी पार्टी के विस्तार में आसानी होगी। केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली दोनों राज्य कांग्रेस से ही छीने हैं। राहुल को खारिज कर और खड़गे के नाम पर मुहर लगाकर केजरीवाल ने 24 में ही नहीं 29 में भी उनकी दावेदारी खारिज करने की चाल चल दी है। कि खड़गे जी को आप लोग चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, क्या सोच है इसके पीछे और क्या इसके लिए कांग्रेस से पूछा गया था क्या? नहीं देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कल बैठक के भीतर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और मेरे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया है। बेहतरीन नाम है, शानदार नाम है, और आज वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे, मुझे लगता है कि उनसे देश और इंडिया गठबंधन उनके अनुभव का बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इसके काबिल नहीं थे? अब ये सवाल क्या है, या आप लोग चाह रहे कि राहुल फेस ना हो? इंडिया गठबंधन के भीतर जब बैठेंगे सब लोग फिर चर्चा करेंगे। बड़ी सरल सी बात है, जितने भी घटक दल हैं
मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते हैं, बल्कि वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के भी सभी साथी जो हैं उनको अपना अध्यक्ष अपना नेता मानते हैं, तो मुझे लगता है बहुत। राहुल गांधी के नाम पर राघव चड्ढा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी। 2019 के नतीजों के आधार पर कांग्रेस इस बार भी गठबंधन में ज्यादा सीटें चाहती है। पंजाब ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का प्रभाव 2-3 सीटों तक ही सिमटा हुआ है। 2019 में बीजेपी होशियारपुर और गुरदासपुर सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने संगरूर सीट से खाता खोला था। पंजाब में केजरीवाल कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए वही सीटें छोड़ना चाहते हैं जहां बीजेपी मजबूत है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों शून्य पर हैं। दिल्ली में केजरीवाल 4-3 पर समझौता कर सकते हैं, क्योंकि यहां मोदी मैजिक से टक्कर लेना मुश्किल है। राहुल को खारिज करने और खड़गे को आगे करने के पीछे ममता और केजरीवाल का लॉजिक दलित प्रधानमंत्री का है। इसमें भी दोनों अलायंस से ज्यादा अपना भला देख रहे हैं। अब जरा देश का दलित फैक्टर समझ लेते हैं। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें एससी एसटी के लिए 131 सीट रिजर्व है। एससी सीट 84 है, जबकि एसटी सीट 47 है। दो 2014 से रिजर्व सीटों पर बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। 2014 में बीजेपी ने 67 एससी सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 13 सीट मिली थी, जबकि ममता की तृणमूल कांग्रेस 12 सीटें जीती थी। 5 साल बाद मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों ने दलित वोट बैंक को और बीजेपी की तरफ ला दिया। इसका फायदा 2019 में बीजेपी को मिला। 2019 में बीजेपी ने 77 एससी रिजर्व सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट मिली, जबकि दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती को सिर्फ 2 एससी सीट मिली। अब सवाल है कि मोदी ने कांग्रेस और मायावती से कैसे दलित वोट बैंक को छीना? इसके लिए आरएसएस के सामाजिक समरसता मंच ने ग्राउंड पर काम किया और मोदी ने दलित हितों वाली योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इनमें आवास योजना, शौचालय, समग्र शिक्षा अभियान जिसके तहत 10,000 आवासीय विद्यालय बनाए गए, 1,00,000 से ज्यादा एससी एसटी के बच्चों को दाखिला दिलाया गया। इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी को 2014 में 24% एससी वोट मिले, जो 2019 में बढ़कर 34% हो गए, मतलब सीधा सीधा 10% का जंप। इंडी गठबंधन खड़गे के जरिए दलित वोट पर दांव खेलना चाहता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में खड़गे का असर नहीं है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। 2024 में इंडिया अलायंस का दावा क्यों कमजोर माना जा रहा है? जिन खड़गे पर ममता केजरीवाल दांव खेल रहे हैं वो 5 साल पहले ही मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। दरअसल 2019 में कर्नाटक के गुलबर्गा से खड़गे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। 2009 और 2014 में खड़गे वहां से जीत चुके थे। 2019 में खड़गे फेवरेट थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक रैली ने पूरा पासा पलट दिया। खड़गे ने बाद में खुद स्वीकार किया कि आरएसएस और मोदी की वजह से वो चुनाव। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे,
कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है, एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना एक दो तीन इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। ममता और केजरीवाल के दांव से इंडी गठबंधन के कई चेहरे अभी से मुंह फुलाए बैठे हैं। उनमें लालू यादव और नीतीश भी हैं, जबकि अखिलेश ने चुप्पी साध रखी है। खड़गे के लिए यूपी की गांठ खोलना ही टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अंदर खाने चर्चा है कि राहुल गांधी यूपी में मायावती को भी गठबंधन में लाना चाहते हैं। राहुल अमेठी और रायबरेली में इसका फायदा देख रहे हैं, जबकि अखिलेश ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं जिसमें मायावती हो। मतलब इंडी अलायंस में मायावती की एंट्री हुई तो अखिलेश आउट होंगे। इसकी वजह 2019 के नतीजों में छिपी हुई है। जब अखिलेश और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे, अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट है, जबकि 22% दलित वोट है। माना जा रहा था ये गठबंधन यूपी में मोदी की राह मुश्किल कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 2019 में यूपी में मोदी के एनडीए अलायंस को 51% वोट मिले, अखिलेश और मायावती के अलायंस को 39% वोट मिले, बीजेपी प्लस को 64 सीटें मिली, एसपी को 5 सीटें मिली, बीएसपी को 10 सीटें मिली, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। बीएसपी का दलित वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लिहाजा एसपी की हालत वैसी ही है जैसे दूध का जला छांच भी फूक फूक कर पीता है। शिवपाल यादव तो एक कदम आगे निकल गए और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन? देखिए, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले भारतीय जनता वो बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें।